मेरा नाम जवाहर है और मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल IIT में जॉब कर रहा हूँ। आज से करीब 7.5 महीने पहले मेरे ये बाल जो दिख रहे हैं आपको, ये पूरी तरीके से कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं फेसबुक पे एक दिन देखा तो ये डॉक्टर नवनीत कौर साहब का नाम मैंने देखा, उसमें एड इनकी देखी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया। लेकिन मुझे इस बात का ट्रस्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं है। पहले मेरे साथ था, कई बार ऐसा हो चुका है कि फ्रॉड लोग हैं दिल्ली में बहुत सारे। इससे पहले मैं कहीं और जगह जाके ही पता कर चुका था तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैं अपने IIT में कुछ दोस्त हैं, उनके सपोर्ट से मैंने जो फेसबुक पे जैसे बताया देखा था तो यहाँ पर आया। तो इनको डॉक्टर साहब को पूरा अच्छे से इनका जो वेबसाइट वगैरह इनका सब कुछ अच्छे से चेक किया और मिला आके, तो मेरे को थोड़ा जेन्युइन लगा। ज़्यादा जेन्युइन नहीं लगा लेकिन थोड़ा जेन्युइन लगा क्योंकि मेरे को ट्रस्ट ही नहीं था एक्चुअली दिल्ली में कुछ लोग, बहुत सारे लोग फ्रॉड हैं। फिर मैं अपना मैंने जब अपने तसल्ली के लिए दोबारा से एक बार नेट को चेक किया तो मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं ये ठीक है, आपको यहाँ करवा लेना चाहिए। तो मैंने ट्रांसप्लांट करवाया 21 अक्टूबर को। उसके बाद जब तक मेरा ट्रांसप्लांट हो नहीं गया मुझे तब तक विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बाद मेरा जब ट्रांसप्लांट हो गया तो मैंने शीशे में खुद को देखा तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं ट्रांसप्लांट हो गया है। अब आगे रिजल्ट क्या है, कैसे है, मैं बहुत उस समय काफ़ी घबराया हुआ था कि शायद अगर कुछ ना हो। मैं बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके और मैंने ट्रांसप्लांट के लिए दिए थे तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके मेरे बाल जो शेडिंग आता है, टाइम आता है कि बाल आपके जो लगे बाल होते हैं झड़ने शुरू होते हैं, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि ये तो नहीं सारे जा रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर डॉक्टर साहब से मिला मैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये एक टाइम होता है जब ये जो बाल लगे होते हैं ये जाते हैं। उसके कुछ समय बाद मेरे फिर शुरू से फिर धीरे धीरे बाल आने शुरू हुए 3 महीने बाद, तो मेरे अच्छा सा लगने लगा। फिर और टाइम हुआ, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, आज करीब 7.5 महीने हो चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग सी अंदर से आती है और आज मैं आपके सामने हूँ। मेरे अच्छी ग्रोथ हो चुके हैं बालों की और देखने में खुद को अच्छा लगता है। पहले हमेशा टोपी लगाए घूमता था लेकिन आज जो है अच्छा लगता है, शर्ट पहन सकता हूँ, कोट पैंट पहन सकता हूँ, सब चीज़ को अच्छे से पहन सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आया हूँ। यहाँ फीलिंग ही नहीं होती है कि मैं किसी डॉक्टर के पास मिलने जा रहा हूँ या किसी बाहर वाले के पास मिलने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपनापन है, सभी लोग स्टाफ इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे से काम करते हैं कि शायद मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब भी कई जगह मैंने देखा है, सुना भी है, मेरे दोस्तों ने ट्रांसप्लांट करवाए, जितना काम करते हैं सारे टेक्नीशियन करते हैं और डॉक्टर खाली राउंड पे आते हैं, चेक करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ही बाल डॉक्टर साहब ने मेरा खुद निकाला, पूरे बाल इम्प्लांट करने में इन्होंने मेरी टेक्नीशियन के साथ पूरी हेल्प की। पूरे टाइम करीब 8 से 9 घंटे का प्रोसीजर चला तो उस दौरान डॉक्टर साहब पूरे मेरे साथ थे, ठीक है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा और हल्का सा भी अगर प्रॉब्लम होती थी तो हर बात पे पूछते थे कि प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में जो क्या है, लोगों ने इसको पेशा बनाया हुआ है और आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे इतना जेन्युइन रेट है कि कोई भी, मतलब एक छोटी सैलरी वाला आदमी भी आराम से ट्रांसप्लांट करवा सकता है और 100% रिजल्ट उसके आते हैं। अब मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, तो उसके 100% रिजल्ट आते हैं और इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि मैं नहीं चाहता कि कोई लोग धोखे में रहें या आप कहीं और ट्रांसप्लांट करवाएं, कोई आपका बेवकूफ बनाए, तो मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ट्रांसप्लांट करवाएं। ये बहुत अच्छी जगह है और आपको बहुत अच्छा फील हो यहां पे, हर चीज़ के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। आप दिन में 10 बार कॉल कीजिए लेकिन कभी आपको ये नहीं है कि आपको इग्नोर किया जाएगा। तो मेरी आपसे यही सजेशन है कि यहीं पर ट्रांसप्लांट करवाएं और यहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और अभी मेरे जैसे 7.5 महीने हुए हैं तो अभी भी करीब 9 महीने या 1 साल तक रिजल्ट और आना बाकी है। तो जो डेंसिटी है बालों की ये और अभी और अच्छी की ग्रोथ होगी। तो मैं कुछ समय बाद आपको एक और फीडबैक वीडियो बना के दूंगा और तो उसमें उनके बारे में मैं पूरी डिस्कस करूंगा। थैंक यू।